वेलकम टू लिसन योर बॉडी। 50 साल के बाद तकरीबन 60% मर्दों में इशू पाया जाता है कि उनका जो यूरिन है वो रुक रुक के आता है, कम क्वांटिटी में आता है और स्वेयर केसेस में तो उनका यूरिन रुक जाता है। उसकी रीज़न होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो उनमें उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से उनको यूरिन में इशू होता है, उनका मसाने का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसकी रीज़न क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की और किस तरह से इसको रोका जा सकता है, यानी कि जो अभी 50 साल की एज नहीं हुई है जिन मर्दों की, वो किस तरह से किन किन चीज़ों का वो ख्याल करेंगे तो उनका ये इशू नहीं बनेगा 50 साल के बाद। अगर हो गया इशू तो उन्होंने किस तरह से इसे रिवर्स करना है और ऑपरेशन की तरफ किस तरफ जाना है, क्योंकि 2016 में रिसर्चेस की गई जिसमें ये पता चला कि जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो 10 में से 9 जो ऑपरेशन है बिला वजह किए जा रहे हैं, वो जस्ट उनका लाइफस्टाइल चेंज करके, उनको डाइट के थ्रू चेंज करके और जो थोड़े और कंडीशन मैं बताऊंगी कि किस टाइम पे आप लोगों ने मेडिसिन की तरफ जाना है, क्योंकि मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो उसका इतना आराम भी नहीं आता है, जिस वजह से ये हो रहा है इशू वो रीज़न ख़त्म करनी है, वो रीज़न ख़त्म होगी तो ये ख़त्म होएगा, अदरवाइज ऑपरेट भी करवा लेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा, उससे और प्रॉब्लम साथ में बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए तो तब ऑपरेशन की तरफ जाना है, वो आज सब मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वो 2016 में जो रिसर्चेज की गई उसमें पता चला कि 9 को ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 1 को ऑपरेशन की ज़रूरत थी और उन्होंने 10 के 10 पेशेंट्स की सर्जरी की। अब यही है ना कि अब यहाँ पे आसान हल निकाल लिया गया है कि जो सा है वो ऑपरेट कर दो, कोई भी चीज़ इस तरह से हुई है ऑपरेट कर दो, और उसके रीज़न नहीं पीछे बताए जाते हैं कि क्या तुम लोग क्या ऐसा खा रहे हो और क्या ऐसा डाइट में इंक्लूड करोगे कि जिसकी वजह से ये इशू नहीं बनेगा। तो आज के इस वीडियो में ये सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और इसका किडनी के साथ कहाँ जाकर रिलेशन बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर लगे कि इन्फॉर्मेटिव है मेरा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो नालियाँ हैं वो मसाने में से होती हुई इसमें से गुजरती हैं, इस ग्लैंड में से गुजरती हैं। जब इस ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है तो फिर वो पिचक जाती है, वो नाली जो यूरिन की नाली होती है वो पिचक जाती है और उस वजह से उसको गुजरने में इशू होता है और मसाने में जो है वो यूरिन खड़ा रहना शुरू हो जाता है और फिर वो आता भी थोड़ी थोड़ी वो मिकदार में है और इसके अलावा फिर वो फील भी बहुत ज़्यादा, वो रोक भी नहीं पाते हैं कि बहुत ज़्यादा जब यूरिन आया हो तो 50 साल के बाद फिर लोगों को वो होता है कि बस हमें उनके बीच में निकल भी जाता है और उनको फौरन होता है कि हम लोगों को इसे डिलीवर करना है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो नाली पिचक गई होती है, उसे वो हमवार सतह नहीं मिल रही होती। अब ये जो ग्लैंड है, अब ये फ्लूड प्रोस्टेटिक फ्लूड प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर करता है। वो फ्लूड क्या करता है, ये स्वम्स वगैरह को हमवार करता है जो, और इसके अलावा जो फर्टिलिटी होती है मर्दों की वो उस उन स्वम्स की वजह से वो होती है और वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वजाइनल का उसको वो अल्कलाइन करता है ये, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका लिक्विड जो है वो अगर सही मिकदार में और सही उसकी क्वालिटी होएगी तो वो ये सारा वो प्रोसीजर ठीक होगा। अब वो उसका साइज़ अब किस वजह से अब बढ़ना शुरू हो गया और 50 साल के बाद क्यों ये ज़्यादा इम्पैक्ट होना शुरू, पीछे असर 50 साल के बाद जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तब इसका साइज़ बढ़ता है, अदरवाइज इस पर असर पहले ही होना शुरू हो जाता है। अब ये कौन से लोग हैं, अब ये इसमें रीज़न समझी जाती है कि जो जो है हार्मोन, मेल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के, उसकी बढ़ोतरी मर्दों में ज़्यादा होता है, वो औरतों में कम होता है, कि वो ज़्यादा होता है मर्दों में तो शायद उसकी वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। जबकि 50 साल के बाद तो जैसे जैसे एज मर्दों की बढ़ती जाती है तो वो उनका जो मेल हार्मोन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी रीज़न नहीं है, इसके पीछे जो 3 रीज़न्स हैं मैं आज 3 आप लोगों को वो बताऊँगी, वो 3 आप लोग अपनी सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को ये इतना बड़ा इशू नहीं लगेगा। जो कि ये बहुत सीवियर कंडीशन में चला जाता है कि पेशाब का रुक जाना और ये इतनी बुरी कंडीशन ये सारी हो जाती है कि उस टाइम पर तो इंसान कह रहा होता है कि मुझे कोई इसका सलूशन बस बता दिया जाए, ऑपरेट करना ऑपरेट कर दो, जो करना है इसके साथ कर लो। तो आप लोगों ने वो कंडीशन क्या है, उसमें से पहले नंबर पे बॉडी जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब ये वाले पेशेंट देखेंगे जो मेरी वीडियो सुनेंगे उनको पता होगा कि वो ज्यादातर डायबिटिक हैं, उनको शुगर है और उनका ये प्रोस्टेट ग्लैंड ज्यादा बड़ा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हर
इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं कह रही हूँ कि इसकी रीज़न एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी का होना। अब जो डायबिटिक पेशेंट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन है वो 20 साल का बच्चा भी हो सकता है, 15 साल का भी बच्चा भी हो सकता है, 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। वो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट है वो उसकी वजह से, तो वो अब हर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन है वो आने वाले टाइम में उसको शुगर होने वाली है, उसको आने वाले टाइम में वो डायबिटिक पेशेंट बनने वाला है। तो ठीक है, इसकी ये रीज़न है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसकी बॉडी, उसकी वजह से उसका वेट भी बड़ा होता है, ठीक है। उसके जो बॉडी में जो फैट भी, उसके बैली एरिया में जो फैट इकट्ठा हुआ होता है वो एस्ट्रोजन का भी वो बैलेंस बन रहा वजह बन रहा होता है, एस्ट्रोजन बैलेंस को इम्बैलेंस करने के लिए। तो अब पहले नंबर पे वो मैं बाद में बताती, पहले रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप लोगों ने अपना कंट्रोल करना है, उसके लिए अब आप लोगों ने अपनी जो से गुड फैट्स अपनी डाइट में लेके आनी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं तो परेशान मत हों, आप लोग अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, और डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे तो आपका ये प्रोस्टेट का इशू भी रिवर्स हो जाएगा। आपने अब करना क्या है, पहले नंबर पे आप लोगों ने अपना जो सा है वो वेट को भी कंट्रोल करना है। अब आपकी इंसुलिन ये चीज़ें आपस में इतनी इंटरलिंक्ड है ना, आप लोग अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी को रिवर्स करेंगे तो आपका वेट भी खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप लोग, और ऐसे लोग ज़्यादा ओवरवेट भी होते हैं, उनका बेली एरिया और उनका वेट ओवरवेट होते हैं, जो उनको ये ज़्यादा इशू होता है, जिनको ये इशू होता है उनका वेट ज़्यादा होता है, तो वो लोग अगर अपना वेट कम करेंगे तो उनका 30% जो उनका ये इशू है रिजॉल्व हो जाएगा, 30% वो उनके बीच में से निकल गया, बाकी 70% रह गया। तो अब वेट भी आप लोगों ने अपना कम करना है। अब वेट कम करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस अपनी बॉडी को रिवर्स करना है, उसके लिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने गुड फैट्स ऐड करनी है, प्रोटीन ऐड करनी है। वो मेरे आप लोग वीडियो विटामिन डी वाला, अपना विटामिन डी लेवल तो हर इंसान को अपना चेक करना चाहिए कि हम लोग क्या अपना विटामिन डी ले रहे हैं। वो एक ही सप्लीमेंट में बताती हूँ विटामिन डी, और वो हेल्थ के लिए उनके पीछे सारी जो सी हेल्थ हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। आपने उसको एक तो वो करना है, विटामिन डी वाला मेरा वीडियो देखना है, उससे आप लोग अपने लेवल को ठीक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपने गुड फैट्स, मैं कह रही हूँ गुड फैट्स के लिए आपका सोल्यूशन मैंने निकाला हुआ है, आप लोगों ने एग्स वाला मेरा वीडियो देखना है, ठीक है। और अपने नाश्ते को देखना है, कि मैंने नाश्ते पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोगों ने गुड फैट्स वाला नाश्ता, अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने वाला नाश्ता, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करने वाला नाश्ता कौन सा है, वो आपने वो वीडियो भी देखना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि गुड फैट्स में क्या क्या ये आ जाएगा। एक तो गुड फैट ऐड कर लेंगे, वो आपकी इंसुलिन को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद प्रोटीन आप लोगों ने अपना इंक्लूड करना है डाइट में, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए लेमन वाटर वाला मेरा वीडियो है, क्योंकि ये सारी लिंक्ड चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए पूरा पैकेज ये बनाया हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम एक चीज़ अगर प्रोटीन बढ़ा रहे हैं तो इससे जो सा है वो हमारा क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन लेवल यूरिन में ना ज़्यादा आना शुरू हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने प्रोटीन नहीं छोड़नी है, प्रोटीन का इंटेक अच्छा ही रखना है। उसके साथ आप लोगों ने लेमन वाटर का यूज़ करना है, वो मेरा वीडियो देखेंगे, उसे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से लेना है। अब ये दो चीजें करने से नंबर 3 साथ में एक्सरसाइजेज आप लोग करेंगे तो आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, इंसुलिन रिवर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर डायबिटीज नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। ये एक तो चीज आप लोगों ने करनी है। दूसरे नंबर पर इसकी रीजन होती है एस्ट्रोजन का बढ़ना, ठीक है ना। जो एस्ट्रोजन, अब वो किस तरह से बढ़ता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। ये आप लोगों का जो बैली फैट है, जो ये आप लोग जो शुगरी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वो फिर जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है, लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर जाके जब फैटी हो जाता है, वो फैट को संभाल नहीं पाता है, वो फैट आपके जिस्म में बाकी जगहों पर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, और वो वजह बन रहा होता है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने की, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, उसी की बाय प्रोडक्ट है ये एस्ट्रोजन, ठीक है। अब ने और इसके अलावा आप लोग जो सा है वो एस्ट्रोजन दूसरी चीज़ों से भी, जैसे प्लास्टिक्स के बर्तनों में खाना खाना और इस तरह वाली चीज़ों से भी एस्ट्रोजन, परफ्यूम ज़्यादा यूज़ करना, इससे भी एस्ट्रोजन बढ़ता है। लेकिन जो बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन, वो ये है कि वो टेस्टोस्टेरोन उसको कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। अब उसको हम लोगों ने किस तरह से रिवर्स करना है, उसके लिए आप लोगों ने क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं वो आप लोगों ने खानी है, जैसे कि गोभी फैमिली होगी, जिस तरह से बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, मटर, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक वगैरह, ये भी आप लोग मेरी वीडियोस वो नाश्ते वाली देखेंगे, मैं आप लोगों को इंक्लूड चीज़ें करवाई हुई हैं साथ में। तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, ये आपके एस्ट्रोजन बैलेंस को कम करेंगी, तो फिर आपका ये खुद ब खुद ग्लैंड भी जो है वो बैलेंस पे आएगा,
उससे आपका मसाने का वॉल्यूम भी बैलेंस पे आएगा। तो आप लोगों ने अपने इन चीज़ों को ऐड करना है अपनी डाइट में, ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा आप लोगों ने लेमन का जो छिलका है उसमें जो उनसे न्यूट्रिएंट्स लेमन में तो हैं ही हैं, आप लोगों को जो उसके छिलके से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फाइटो न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, वो पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए, स्पेशली जो उनसे है वो प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो आप लोगों ने अब किस तरह से आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों ने एक तो उसको जो मैंने लेमन ड्रिंक वाटर जो मॉर्निंग ड्रिंक वाटर में यूज़ करवाती हूँ सब लोगों को अपने चैनल पे, तो वो आप लोगों ने भी वो यूज़ करना है। आप लोगों ने इतना फ़र्क कर लेना है कि आप लोगों ने उसको छिलके समेत ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स ने जो उनसे वो रेसिपीज़ वो साथ शेयर करवा रहे हैं, जी ये आप लोग रेसिपीज़ को प्रोस्टेट को ग्लैंड को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, उसका साइज़ कम करने के लिए ये रेसिपी यूज़ करें, उसमें वो क्या करवा रहे हैं, उसमें अंजीर डाल लें, उसमें वो अंगूर डाल लें, उसमें मीठे के लिए शहद डाल लें, ऐसा कुछ नहीं आपने डालना, क्योंकि उस इन चीज़ों से इनमें जो फ्रुक्टोज लेवल ज़्यादा होता है खजूर में, ठीक है, खजूर हो गई, अंजीर हो गई, ये जितनी भी शहद हो गया फ्रुक्टोज है इसमें, तो वो अब जो फ्रुक्टोज है वो याद रखना है कि आप लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाएगा। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस ही तो मैं ख़त्म करवा रही हूँ कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो जब आप चीज़ें वो यूज़ करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो बॉडी रहेगी, तो आपका इशू सॉल्व नहीं होगा। आप लोगों ने वो सब चीज़ें यूज़ नहीं बीच में करनी है, ओनली आप लोगों ने लेमन का छिलका यूज़ करना है। उसके लिए दो तरीकों से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एक तो साथ ही ब्लेंड कर लें जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने सुबह बताया, उसमें चीनी यूज़ कुछ नहीं मीठा यूज़ करना है, उसमें सिर्फ हिमालयन पिंक साल्ट आप लोगों ने डालना है, टी स्पून जो है उसका चौथा हिस्सा हिमालयन पिंक साल्ट डालेंगे, मन लेमन उसके साथ ही ग्राइंड आप उसमें कर लेंगे, तीन ड्रॉप आप लोग उसमें वो डाल लेंगे एप्पल साइडर विनेगर, ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक बनेगा और ये आप लोगों ने पीना है, ये आपके इसके ग्लैंड को रिवर्स करने में, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ये आप लोगों ने वो उसका लेना है। दूसरे नंबर पे आप लोग लेमन का छिलका यूज़ कर सकते हैं इसका अचार में, ठीक है, इसको कट करके आप लोग अचार में डलवा लें और वो आप अचार के थ्रू भी खा लें और वो मॉर्निंग ड्रिंक में भी हो जाएगा, तो वो दोनों साइडों पे विटामिन सी भी पूरा और जो दूसरे मिनरल्स चाहिए होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को रिवर्स कराने के लिए, उसको नॉर्मल साइज कराने के लिए, तो वो भी जो है वो उससे आप लोगों को वो मिल जाएंगे, ये चीज़ होगी। उसके बाद अब तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसी का लिंक्ड होती हैं ये चीज़ें कि आप लोगों ने एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज से एक तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपकी इंसुलिन भी कंट्रोल रहेगी, जो वजह बन रही है आपका एस्ट्रोजन बैलेंस भी नीचे आएगा। आप लोगों ने एक तो अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, डीप ब्रीदिंग करेंगे आप लोग दिन में 4-5 मरतबा आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग करनी है, और मेरी ये वीडियोस हैं यहाँ पे डीप ब्रीदिंग की भी हैं, स्ट्रेचिंग की भी हैं, वो भी आप लोगों ने करनी है, और प्रोस्टेट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी मैं अपलोड कर दूंगी। जब तक एक्सरसाइजेज वो नहीं आती हैं आप लोगों ने, तब तक जो सी मेरी एक्सरसाइजेज कौन कौन सी आप लोगों ने फॉलो करनी है, डीप ब्रीदिंग की करनी है, स्ट्रेचिंग की करनी है, ठीक है, और उसके बाद भी आप लोगों ने ये दोनों भी साथ में कॉम्बिनेशन रखा करना है, वो प्रोस्टेट की जो एक्सरसाइज बताऊंगी उसी में इसको भी इंक्लूड करना है, और रात को खाने के बाद आधे 20 से आधा घंटा एक्सरसाइज वॉक आप लोगों ने मस्ट करनी है, और वॉक आप लोगों ने करनी है कि आप लोगों को सांस ना चढ़े, नॉर्मल वॉक करनी है आप लोगों ने, बेशक घर में कर लें, गली में कर लें, जहां पे भी कर लें, लेकिन आप लोगों को ऐसे करनी है कि सांस ना चढ़े। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो जाके फैट के साथ जो बेली फैट और बॉडी में फैट जमा हुआ है उसके साथ जाके वो रिएक्शन करेगी, और जिसकी वजह से वो फैट बर्न होगा, तेज वॉक से वो बर्न नहीं होगा, वो जो कूल वॉक होती है उसी से जो ऑक्सीजन एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें वो ऑक्सीजन अंदर जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, आप लोगों ने वो वाली एक्सरसाइज करनी है कि जिससे ऑक्सीजन अंदर जाए, करते करते डीप ब्रीदिंग भी साथ में थोड़ी वो करते जाएं, ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए, तो वो सांस नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल में वो जाएगा तभी वो रिएक्शन फैट के साथ वो करेगा। इस तरह से वो फैट बर्न होगा, आपका एस्ट्रोजन लेवल नीचे आएगा, आपका इंसुलिन नीचे आएगा, और वो खुद ब खुद आपका प्रोस्टेट का इशू सॉल्व होगा। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि इसका किडनी के साथ क्या रिलेशन है। जब आप लोगों का मसाने का जब वो फिल हो जाता है और वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, तो वो फिर पीछे की तरफ बाहर उसका जो उनसा प्रेशर है वो पीछे की बैक जाता है, बैक जाने की वजह से जो वेंस होती हैं, जो नालियां होती हैं, जो किडनी की तरफ जाती हैं, वो किडनी तक वो सारा इम्पैक्ट लेके जा रही होती हैं, तो इस वजह से किडनी भी अफेक्ट हो जाती है इससे। और आप लोगों ने ऑपरेशन की तरफ किस टाइम जाना है, जब आप लोग अल्ट्रासाउंड अपना कराएंगे और उसमें आपकी उसमें किडनी में आप लोगों के स्वेलिंग आएगी, सोजिश हुई आएगी, उसके बाद आप लोगों का मसाने की जो दीवारें हैं, जो मसाने है वो मोटा हो जाएगा, और ठीक है मसाना आप लोगों का, और इसके अलावा उसमें पथरी आना शुरू हो जाएगी, पथरी बनना शुरू हो जाएगी, वो इसकी निशानी है कि आप लोगों का इस तरह से है।
50 मिलीलीटर से ज़्यादा है मसाने में यूरिन, 50 मिलीलीटर से ज़्यादा है मसाने के अंदर यूरिन रह रहा है, तब आप लोगों ने अपने इन चीज़ों को देखते हुए और पेशाब बिल्कुल बंद हो गया, तो तब आप लोगों ने ये अल्ट्रासाउंड कराना है। इसमें सारी कंडीशन अपनी नोट करनी है, उस टाइम पर आप लोगों को डॉक्टर कहेगा ऑपरेट का, तो उस टाइम पर ऑपरेट की तरफ जाना है। अगर ये आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया है, आप लोगों की ये सारी कंडीशन जो सी हैं वो नहीं है आप लोगों में पाई जा रही हैं, पीछे वाली सिर्फ पेशाब बंद है, आप लोग गए हैं आपका यूरिन बंद हो रहा है, तो आप लोग गए हैं लेकिन पीछे वाली सारी कंडीशन जो सी हैं वो ठीक है, किडनी आप लोगों की क्लियर है, कोई इशू नहीं वहाँ पे बना है, मसाना क्लियर है, उसकी मोटा नहीं हुआ उसका साइज, उसके अलावा उसमें कोई स्टोन भी नहीं बना है, तो आप लोगों ने और 50 मिलीलीटर से यूरिन जो सा है वो कम है, आप लोगों ने फिर उस टाइम पे डॉक्टर को कहना है कि मुझे मेडिसिन ही आप दें, मेडिसिन के थ्रू और प्लस जो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता रही हूँ वो आप लोगों ने सारी इंप्लीमेंट करनी है। एक साल में फिर आप लोगों ने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते रहना है कि कहीं ये कैंसर की तरफ ना कन्वर्ट हो जाए, इसका भी खतरा होता है ना कि जब आप लोग इसका फॉलोअप नहीं रखेंगे, अपनी सारी चीज़ें वैसे ही चलने देंगे तो फिर ये कैंसर में कभी कन्वर्ट हो जाता है, तो आप लोगों ने उसके लिए परेशान नहीं होना, थोड़ा हौसले से काम लेना है, जो सारी चीज़ें ये बताएं, क्योंकि ऑपरेशन हल नहीं है कि जब आपका नॉर्मल है ये सारी चीज़ें और ऑपरेशन आप लोग डायरेक्ट करा लेंगे तो वो सोल्यूशन नहीं है। जब तक ये सारी रीज़न क्या बन रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एस्ट्रोजन है इसकी रीज़न, फैट इसकी जो बॉडी में जमा हुआ है, वेट ओवर वेट हुए हुए हैं वो इसकी रीज़न बन रहा है, तो वो जब तक सारी चीज़ें नहीं सीधी होंगी तो ये कैसे इशू सॉल्व होगा, वो फिर से वो दोबारा से ग्लैंड बन जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं गुदूदें बन गई हैं, गुदूदें यही चीज़ें वो सारी हो रही होती हैं जिस्म के अंदर, तो आप लोगों ने अपना तब मेडिकेशन की तरफ उस टाइम पे आना है, और मेडिकेशन भी आप लोगों ने पहले ये चीज़ें अप्लाई सारी करके देखनी है, जब आप लोगों को लगे नहीं हमारी स्वेयर कंडीशन है तो आप लोगों ने तब अब सारे वो टेस्ट वगैरह करा के फिर डॉक्टर से कंसर्न करके मेडिसिन की तरफ आप लोगों ने जाना है, तो आप लोगों ने ये अब सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये इशू नहीं होगा। और जिन जो मेल हजरात हैं अभी 50 तक नहीं पहुंचे हैं वो उससे पहले ही ये अपनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर लें। अल्टीमेटली आप लोग शुगर को डायबिटीज़ को एक छोटी चीज़ समझ रहे होते हैं, इसी वजह से ये न्यूरोपैथी कर रही होती है ना, अंदर से वेंस को भी मार रही होती है, तो इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंट्रोल करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था, इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।